ताड़ी व्यूवर्स, मेरे साथ कुछ कश्मीरी भाई मौजूद हैं, शादाब नाम। और तो क्या कहना चाहेंगे, आगे आ जाएं, ये खूबसूरती के वाले से क्या कहेंगे आप? रावलाकोट में और कौन कौन से मकाम देखने वाले हैं? रावलाकोट में यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं तोली पीर है पर। अच्छा, यहाँ से नज़दीक थोड़ा त्राड़खल है, वाटरफॉल है वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आप इधर बाघ वाली साइड पर जा सकते हैं, इधर गंगा चोटी है। ठीक है, इस तरह से और भी छोटे छोटे जगह हैं और काफ़ी सारी जगह हैं इस तरह। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है ये चीज़ें बाहर फेंक रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी है, डस्टबिन ही मौजूद है, तो क्या यहाँ पे सफाई का कोई खास तरह ख्याल नहीं रखता? यहाँ पर लोग अगर खुद ख्याल रखेंगे तो जगह से जी कौन सा रखते हैं। आ जाए, आ जाए। और आप कितने अरसे यहाँ मौजूद हैं रावलाकोट में, कितने अरसे रह रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो यहाँ बर्फबारी भी होती है? सही। अच्छा, रेस्ट हाउसेज काफ़ी हम देख रहे हैं इधर ऊपर बने हुए हैं। रेस्ट हाउस काफ़ी बने हुए हैं और रात को रहने के लिए बने हुए। तो रेंट वगैरह ठीक है कि काफ़ी महंगे हैं? यार अगर इस तरह से बात की जाए ना, यहाँ जो साइड पे लगे यहाँ पर रेंट ज़्यादा है, अगर थोड़ा इधर रावलाकोट के नज़दीक शहर में चले जाएँ वहाँ पर रेंट ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ रेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप इंजॉय करना ज़ाहिर बात आपको पे तो करना पड़ेगा। ज़ाहिर है, सही है। तो इसके अलावा यहाँ के इलाके का कोई सौगात बताएँ, फ्रूट बताएँ, फसलें कौन सी यहाँ पर होती ज़्यादातर? मेरा फसलें यहाँ पर हैं, मुश्किल है यहाँ पर मकई भी होती है, गंदम भी आता है। अच्छा, इतनी खास नहीं होती है, मकई होती ज़्यादातर। मकई सुनी बड़ी मशहूर है यहाँ की ना? मकई मशहूर है लेकिन इतनी ज़्यादा होती नहीं है इधर, मतलब बहुत जगह जिस तरह होती है लेकिन ज़्यादा ठंडी जगह होती है वहाँ पर नहीं होती है। तो नीचे वाले एरिया जहाँ पर बर्फबारी नहीं होती है, थोड़ा मौसम ठीक होता है वहाँ पर हो जाती है, लेकिन ऊपर वाले अगर चले जाएंगे ऊपर वाले एरिया में नहीं होती है। सही है। तो आप स्टूडेंट हैं? नहीं जी जी। क्या करते हैं फिर आप? आर्मी। अच्छा, आर्मी में जी। क्या करते हैं? आर्मी में ड्यूटी करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा अच्छा, चलें सही है, बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच।